जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा कमटीशन क्लासेस में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले देखेंगे दोस्तों हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों में से जितने प्रमुख क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है खासकर उन क्वेश्चन को जो एम पुलिस एम एवं एम में पिछले पेपर में आया है मेलों से सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि एम टेस्ट सीरीज़ का ये आठवां भाग है अगर आपने अभी तक एक से लेकर सात तक के भाग को नहीं देखा है तो हम वीडियो के नीचे लिंक देंगे जो एम पी टेस्ट सीरीज के नाम से रहेगा आप उसको ओपन करेंगे तो सभी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे तो दोस्तों आप जरूर दीजिए और देखिए आपको डेली शाम को साढ़े सात बजे एम पी जी की का टेस्ट सीरीज मिलेगा तो आप देखिए आपकी तैयारी कितनी है अब चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो महामृत्युंजय का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है या तो आपको बताना है कि महामृत्युंजय का मेला किस जिले में लगता है चार ऑप्शन है आपके पास शहडोल गुना रीवा ग्वालियर दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दो से तीन सेकंड का समय मिलेगा आपको उसी टाइम कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा तो दोस्तों पहले का राइट आंसर हो जाएगा सी रीवा अगर आपसे कभी पूछता है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है तो आपको बताना है सी रीवा दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपके होमवर्क के रूप में रहेगा आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है आप बताएं दोस्तों आपके लिए होमवर्क था दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि जागेश्वरी देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है बताएं आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी बताएं चार में से कौन सा सही होगा दोस्तों जागेश्वरी देवी का मेला अगर आपसे कभी पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चंदेरी आपको क्या बताना है दोस्तों चंदेरी में लगता है जागेश्वरी देवी का मेला अब चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक शिक्षा कंपटीशन क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा लें जिससे आपको डेली शाम को साढ़े सात बजे जो एम पी जी के का टेस्ट सीरीज चल रहा है उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप एम पुलिस एम पी और एम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन कीजिए इसमें से आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है डेली शाम को साढ़े सात बजे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में नोटिफिकेशन को दबा लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर दोस्तों आपको इसका पी चाहिए तो हम वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहे हैं आप वहाँ जुड़ जाइए तो आपको दोस्तों वहाँ इसकी पी मिल जाएगी दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चांदी देवी का मेला मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन आप है आपको बताना है कि चांदी देवी का मेला किस स्थान पर लगता है ए बी सी डी सागर राय से मुरैना सीधी बताएं दोस्तों चांदी देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सीधी भोखरा गांव सीधी में चांदी देवी का मेला लगता है दोस्तों महामृत्युंजय वाला जो रीवा का था वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में नागाजी का मेला निंद में से कहां लगता है दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी गुना मुरैना सागर पचमढ़ी बताए दोस्तों कि नागा जी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दो से तीन सेकंड का समय दिया जाएगा और दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके सही कितने हो रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो दोस्तों चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी मुरैना तो पोरसा मुरैना में अगर आपसे पूछे नागा जी का मेला कहाँ लगता है तो दोस्तों आपको बताना है पोरसा और मुरैना चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं सिंहस्थ मेला किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों थोड़ा सा है इसको आपको बताना है कि यमपी में सिंहस्थ मेला निम्न में से किस नदी के किनारे लगता है यह क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा सा यहाँ पे यमपी लगाने में मिस हो गया है तो आप क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेला निम्न में से किस नदी पर लगता है बताएं यमुना गोदावरी गंगा छिप्रा बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी छिपरा अगर आपसे पूछता कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेला किस नदी पर लगता है तो दोस्तों आपको बताना है छिपरा बाकी दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिंहस्थ मेला यमुना नदी के भी तट पे लगता है गोदावरी के भी तट पे लगता है गंगा नदी के भी तट पे लगता है और छिपरा नदी के भी तट पे लगता है लेकिन आपसे पूछा क्या गया था यमपी में यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा यमपी में सिंहस्थ मेला किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों आपको बताना है छिपरा वो भी कहाँ उज्जैन में दोस्तों अगला क्वेश्चन है छठमा कि सिंगा जी का मेला मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर लगता है बताएं दोस्तों छठमे का राइट right आंसर क्या होगा ए बी सी डी बताएं चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों इसका राइट right आंसर हो जाएगा छठमे का बी पिपलिया खुर्द में अगर आपसे कभी पूछता है कि सिंगा जी का मेला तो पिपलिया खुर्द में लगता है इसका राइट right आंसर चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश में तेजा जी मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है ए रायसेन बी अशोकनगर सी होशंगाबाद और डी गुना बताएं दोस्तों तेजा जी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुना चलो दोस्तों अगला देख लेते हैं कालू जी महाराज का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों एमपी पुलिस और एमपीएसआई SI दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कालू जी महाराज का मेला निम्न में से किस स्थान पे लगता है आपके पास दोस्तों ऑप्शन है ए बी सी डी पिपलिया खुर्द ग्वालियर व्यावरा और पोसरा बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन है आपके पास चारों में से कौन सा सही होगा दोस्तों आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ए पिपलिया खुर्द चलो दोस्तों अगला देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में शहीद मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है ए चंदेरी बी सोडलपुर सी सनावाद और डी पिथौलागढ़ बताएं चार में से कौन सा सही होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तो आप ध्यान रखिएगा शहीद मेला कहाँ लगता है तो अगर आपसे कभी पूछता है तो सनावाद में चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं कुंभ मोला कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल में लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है तुरंत बता दें आप ए बारह बी दस सी ग्यारह और डी नौ दोस्तों दसवें का राइट आंसर हो जाएगा ए बारह चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश में शंकर जी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है ग्वालियर छतरपुर चित्तौड़गढ़ निम्न में से कोई नहीं चार ऑप्शन है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ग्यारहवीं का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चौरागढ़ दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी हम आपको खंड बाई खंड प्रैक्टिस करा रहे हैं यानी चैप्टर बाय चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये पचास टेस्ट सीरीज चलेगा उसके बाद दोस्तों मिक्सअप टेस्ट सीरीज कराएंगे बहुत जल्द आपको शुरू करने वाले हैं इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें चलो दोस्तों अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सकलपुर मेला निम्न में से किस जगह पर लगता है सीधी होशंगाबाद रीबा मुरैना दोस्तों बताएं बारहवें का राइट आंसर क्या होगा सकलनपुर मेला कहां लगता है दोस्तों बारहवें का राइट आंसर हो जाएगा बी होशंगाबाद चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश में काना बाबा मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपको समय दो से तीन सेकंड का दिया जा रहा है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं कि तेरहवें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सोडलपुर तो कभी अगर आप पूछता है तो क्या बताना दोस्तों आपको सोडलपुर में लगता है अगला मध्य प्रदेश में शिव मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है चौदहवें का बताएं दोस्तों रीवा छतरपुर भोजपुर चौरागढ़ चार ऑप्शन है चौदह राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों दोस्तों भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अगर वीडियो वीडियो पसंद आ रहा तो को जरूर आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए टेस्ट सीरीज के लिए तो उसी चैप्टर पर हम वीडियो बहुत जल्द आपके लिए उपलब्ध करा देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे सभी लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ सकें अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में चेती मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है बताएं चेती मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपको दो से तीन सेकंड का समय मिल रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्यावरा दोस्तों अगला देख लेते हैं रामलीला मेला मध्य प्रदेश में कहा लगता है पिपलाई खुर्द मुरैना ग्वालियर नरसिंहपुर आपके पास चार ऑप्शन हैं आप बताएं सोलवे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्वालियर दोस्तों अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश में हीरा भूमिया मेला निम्न में से कहाँ लगता है निवाड़ में लगता है गुना में लगता है सागर में लगता है कि सोनगरा में लगता है बताएं दोस्तों कहाँ लगता है राइट आंसर सत्रह का क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुना दोस्तों अभी आपको बताना है एक कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2019 में कुंभ मेला कहां लगा था आप कमेंट बॉक्स में बताएं और किस नदी के तट पे लगा था और शहर का नाम बताएं दोस्तों मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूं पहला आपका हो जाएगा प्रयागराज दूसरा ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों आपका उज्जैन तीसरा दे, दे, दे देता हूं आप नासिक और चौथा दे, दे देता हूँ दोस्तों आपके लिए सी। बताएं चार में से कौन सा सही होगा कि 2019 का कहां लगा था चले दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों बताएं छिपरा गंगा यमुना गोदावरी दोस्तों बताएं अठारवे का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अठारवे का राइट आंसर हो जाएगा डी गोदावरी अभी हमने आपको एक क्वेश्चन ऊपर करा चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अगर आपसे कभी पूछे कि कुंभ का मेला या सिंहस्थ मेला किस नदी के तट पर लगता है तो आपको बताना है छिपरा दोस्तों गंगा और यमुना में लग लगता है लेकिन ये प्रयागराज प्रयागराज के तट पर लगता है जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था दोस्तों अगर आप नदियाँ पढ़ते हैं तो मैप के माध्यम से पढ़ें जिससे आपको कभी भूले ना तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको शहर याद रहेंगे कि कौन सा शहर कहाँ है तब कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों बताएं उन्नीस का राइट आंसर क्या होगा मंदाता मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है भोजपुर ग्वालियर प्यावरा और मुरैना चार आपके पास ऑप्शन है इसमें से कौन सा राइट होगा बताएं? दोस्तों उन्नीस का राइट आंसर होगा बी ग्वालियर अगला क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है नासिक केदारनाथ उज्जैन हरिद्वार बताएं ऐसा कौन सा स्थान है जहां कुंभ का मेला नहीं लगता है दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि नासिक में लगता ही है आपका गोदावरी के तट पर और दोस्तों हमने आपको एक और बताया केदारनाथ में मेला नहीं लगता है उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर लगता है और हरिद्वार दोस्तों गंगा नदी के तट पर लगता है तो इस प्रकार आप याद रखिएगा पूछ रहा है कि कहाँ मेला नहीं लगता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीस का बी केदारनाथ केदारनाथ में दोस्तों मेला नहीं लगता है दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जबोन, उर, उर्स मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है गुना छतरपुर रीवा सागर बताएं दोस्तों चार ऑप्शन है इक्कीस का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सागर दोस्तों अगला देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्न में से शिवरात्रि मेला कहा लगता है अमरकंटक झाबुआ ओमकारेश्वर चंडीगढ़ बताएं दोस्तों कहां लगता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अमरकंटक बाईस का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए अमरकंटक दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जल बिहार का मेला लगता है शिवपुरी गुना छतरपुर झाबुआ बताएं दोस्तों चार में से कौन सा सही होगा कि जल विहार का मेला कहां लगता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी छतरपुर